बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिज़्ज़ा शवारमा बनाने के लिए सबसे पहले बड़े बर्तन के अंदर 2 कप मैदा डाल दूंगी मैं। अब जी व्यूवर्स, इसके अंदर मैं डालूंगी एक छोटा पैकेट ईस्ट का है, जिसके अंदर से 1 टेबल स्पून के करीब ईस्ट जो है वो निकलता है। अब इस ईस्ट को मैं एक प्याली के अंदर डालूंगी और इसको नीम गर्म पानी के अंदर मिक्स करके एक साइड पर रख दूंगी ताकि जो ईस्ट है वो फूल जाए। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स, मैं 3 से 4 बड़े खाने वाले चम्मच नीम गर्म पानी के डालकर ईस्ट को मिक्स करके, यानी खमीर को अच्छे तरीके से पानी के अंदर मिक्स करके साइड पर रख दूंगी ताकि जो खमीर है वो फूल जाए। अब मैदे के अंदर 1 चुटकी नमक डालूंगी, 1 चाय का चम्मच चीनी डालूंगी। अब 2 बड़े चम्मच यहाँ पर कुकिंग ऑयल के शामिल करूंगी। अब इन चारों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, मैदा, नमक, चीनी और ऑयल को अच्छे तरीके से इन तमाम चीज़ों को मिक्स करना है ताकि तमाम चीज़ें जो है वो यकजान हो जाए। जैसे ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगी तो इसके अंदर जो हमने खमीर को पानी के अंदर मिक्स करके रखा था वो डालकर आटे को अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। अगर इस दौरान आपको पानी की और ज़रूरत पड़ती है तो आपने नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है, ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करना। अदरवाइज़ मुझे और ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने उसी पानी से जिसके अंदर खमीर को मिक्स किया था उसी पानी से अच्छे तरीके से आटे को गूंद लिया, यहाँ पर डो को गूंद लिया है। अब इस डो को गूंदने के बाद इसको सेट होने के लिए 5 मिनट के लिए मैं कवर अप करके रख दूँगी। तो 5 मिनट यहाँ पर हो चुके हैं, डो हमारी सेट हो चुकी है। अब इस डो को ऑयल की मदद से, यानी हाथों को आपने ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना, और ग्रीस किए हुए हाथों की मदद से आपने अच्छे तरीके से इस डो को तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए गूंदना है ताकि जो डो हमारी है वो अच्छे तरीके से सेट हो जाए। अगर जितना अच्छा हम डो को गूंदेंगे, प्रेस कर करके गूंदेंगे, तो उतनी अच्छी हमारी जो डो है वो राइज भी होगी और जो हमारा पिज़्ज़ा शवारमा है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। तो यही स्टेप, जितनी अच्छी हमारी डो गूंदते वक्त सॉफ्ट होगी उतनी अच्छी हमारी डो जब पिज़्ज़ा तैयार होगा तो उतनी उसकी डो सॉफ्ट बनेगी। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स, तकरीबन मैंने 10 से 15 मिनट के लिए डो को अच्छे तरीके से गूंद लिया है। तो डो यहाँ पर गूंद गूंद के बिल्कुल नरम मुलायम हो चुकी है। यहाँ पर आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई है। अब इस एयर टाइट बाउल के अंदर इसको फूलने के लिए, यानी राइज होने के लिए रख देंगे, ऑयल के साथ ग्रीस कर देंगे और इसको कवर अप करके इसको रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी व्यूवर्स, यहाँ पर हमने डो को तो राइस होने के लिए रख दिया, अब चिकन को भी तैयार कर लेते हैं। तो चिकन को यहाँ पर जी व्यूवर्स, मैंने 500 ग्राम चिकन यानी आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है। तो इसके छोटे छोटे मैं स्लाइस करूँगी, ये देखें इस तरह से क्यूब्स कटिंग इसकी करनी है। ये देखें इतने इतने इसके क्यूब्स कर लेने इस तरह से छोटे छोटे इसके क्यूब्स कर लेने। सारे क्यूब्स आपने एक ही जैसे करने हैं। ये देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैं इसके सारे चिकन के क्यूब्स कर लूँगी। तो ये देखें, तो यहाँ पर चिकन के मैंने क्यूब्स कर लिए हैं छोटे छोटे, ये देखें इस तरीके से सारे। तो अब इसको मैरिनेट करते हैं। यहाँ पर चिकन को मैंने बाउल के अंदर डाल दिया है। अब इसके अंदर डालेंगे लहसुन अदरक की पेस्ट। सबसे पहले 1 टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक की पेस्ट मैं यहाँ पर डाल दूंगी। 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैं सिरका डालूंगी। अब जी इसके अंदर मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून चिली सॉस। 1/2 टीस्पून मैं यहाँ पर नमक डालूंगी। 1/2 टीस्पून यहाँ पर मैं डालूंगी कुटी हुई लाल मिर्च, जिसे हम जरा मिर्च कहते हैं। नमक मैंने यहाँ पर इसलिए कम डाला है क्योंकि विनीगर डालना है, सिरके में ऑलरेडी नमक मौजूद होता है, आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके अंदर डालेंगे 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, यानी 1 चाय के चम्मच का चौथा हिस्सा डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। 1/2 टीस्पून डालूंगी काली मिर्च का पाउडर। अब अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब इसको 1/2 से 1.25 घंटे के करीब करीब इसको मैरिनेट कर देंगे। तकरीबन 1/2 घंटे के करीब मैं इसको मैरिनेट करूंगी, कवर अप करके रख दूंगी और इसको मैरिनेट होने दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब व्यूवर्स, थर्ड स्टेप जो है वो शवारमे की सॉस तैयार करना। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स, मैं शवारमे की सॉस रेडी करूंगी। शवारमे की सॉस की सेपरेट वीडियो भी मैंने अपने चैनल के ऊपर लगाई हुई है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर देख सकते हैं। अब एक ब्लेंडर का जग लेना, ब्लेंडर के जग के अंदर मैं डालूंगी तकरीबन 1/2 कप के करीब मायोनीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर 1/2 कप मैंने मायोनीस डाल दी है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी 1/2 कप दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
हाफ कप ही मैंने मेयोनीज शामिल किया और हाफ कप ही मैंने यहाँ पर दही शामिल किया है। अब जी व्यूवर्स इसके अंदर मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून सिरका यानी विनेगर, 1 अदद लेमन लेंगे, इसको निचोड़ देंगे, बीज निकाल लेने हैं। अब व्यूवर्स इसके अंदर डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल। नॉर्मल रूटीन में जो हम खाना बनाने के लिए कुकिंग ऑयल यूज करते हैं वो वाला यहाँ पर मैंने ऑयल डाला है 2 टेबल स्पून। 2 अदद यहाँ पर लहसुन के जवे हैं, यहाँ पर मेरे पास मोटे वाले हैं, अगर आपके पास बारीक लहसुन हो तो आप 3 से 4 डाल सकते हैं। यहाँ पर 2 मोटे वाले लहसुन के जवे हैं, इनको छिलका उतार कर इनको छोटा छोटा चॉप करके मैं इसके अंदर डाल दूंगी। तो ये देखिए लहसुन का छिलका मैंने उतार लिए, अब इसको इस तरह से छोटा छोटा चॉप करके मैं इसके अंदर डाल दूंगी। लहसुन शामिल करने के बाद 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। अब जी 1/4 टीस्पून यहाँ पर मैं नमक शामिल कर रही हूँ। अब इसको बंद कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। तो जी व्यूवर्स यहाँ पर फाइनली तौर पर ब्लेंड हो चुकी है, अब इसको खोलते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त शवारमे की सॉस जो है विदाउट एग के रेडी हो चुकी है। अब इसको मैं इस बाउल के अंदर निकाल लूँगी। ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्ती रेडी हो चुकी है। इसकी सेपरेट वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर काइंडली देख सकते हैं। तो ब्लेंड करने की टाइमिंग जो थी वो थी 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको वक्फे से ब्लेंड किया है। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स आप देख सकते हैं फाइनली तौर पर रेडी हो चुकी है। चिकन को मैरिनेट किए हुए 1/2 घंटा हो चुका है, तो अब इसको कुक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन को कुक करने के लिए फ्राई पैन के अंदर सबसे पहले 3 से 4 टेबल स्पून के करीब मैं कुकिंग ऑयल डालूंगी। ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म करूंगी पहले। ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर मैं चिकन डाल दूंगी जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था। अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर कुक करेंगे ताकि चिकन का थोड़ा सा फ्राई हो जाए। जैसे ही चिकन का थोड़ा सा कलर चेंज होगा तो हम इसको कवर अप करके रख देंगे कुक होने के लिए। तो जी व्यूवर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चिकन ने अपना ही पानी काफ़ी ज़्यादा छोड़ दिया, अब इसको कवर अप करके मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर 10 मिनट के लिए रख देंगे, तो इसी पानी के अंदर जो चिकन है वो अच्छे तरीके से कुक हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी व्यूवर्स 10 मिनट हो चुके हैं मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर रखे हुए चिकन को, तो कवर हटा कर देखते हैं। तो माशाल्लाह से जी व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चिकन का सारा पानी जो है वो ड्राई हो चुका है और चिकन हमारा अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको एक स्लाइस तोड़ के भी दिखा सकती हूँ चिकन का, ये देखें। तो अब इसको निकाल कर सेपरेट रख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूवर्स 4 घंटे हो चुके हैं डो को रखे हुए, तो यहाँ पर डो 4 घंटों के बाद अच्छी तरीके से राइज हो चुकी है, फूल चुकी है। अब इस डो को निकाल कर यहाँ पर इसको 1 से 2 मिनट के लिए पुशअप कर लूँगी और पुशअप करने के बाद इसको 3 हिस्सों में मैं डिवाइड कर लूँगी। तो इनके पेड़े बनाकर यहाँ पर मैंने रख लिए हैं। और अब यहाँ पर जी व्यूवर्स मैंने सैलड के तौर पर बंद गोभी लिया, प्याज लिया और गाजर लिए जिसको मैंने जूलियन स्टाइल में कटिंग किया बहुत बारीकी से। और यहाँ पर जो चिकन तैयार किया है वो है और यहाँ पर जो पिज़्ज़ा सॉस हमने रेडी किया है वो है। तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से रेडी हो चुकी है, अब इसकी असेंबल करते हैं। यहाँ पर जी व्यूवर्स एक पेड़ा लेंगे डो का, इसको अच्छे तरीके से बेल लेंगे नॉर्मल साइज़ में, जिस तरह हम रोटी को बेलते हैं उस तरीके से हम इसको बेल लेंगे। तो इसको बेलना इस तरीके से है कि इसकी चारों साइडें जो चारों किनारे हैं वो बिल्कुल इक्वल से हों, ये नहीं कि कहीं से मोटे कहीं से पतले। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि डो को मैंने अच्छे तरीके से बेल लिया है। अब इसके ऊपर मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगाई है। इस पिज़्ज़ा सॉस की जो रेसिपी है होममेड पिज़्ज़ा सॉस, इसकी रेसिपी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी जो कि मैं अब तैयार करना सिखा चुकी हूँ अपने चैनल के ऊपर। तो पिज़्ज़ा सॉस है, अब इसके ऊपर मैंने पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई किया है
और पिज़्ज़ा सॉस के बाद सॉरी मैंने शवारमे की सॉस अप्लाई की है, उसके ऊपर थोड़ी सी बंद गोभी डाली है, थोड़ा सा प्याज डाला है और अब थोड़ी सी गाजर डाल दी है। यहाँ पर सैलड को मैंने बहुत ज़्यादा बारीकी से काटा है। दोबारा इसके ऊपर थोड़ा सा शवारमे की सॉस डाल दिया मैंने। अब इसके ऊपर दोबारा से मैं चिकन रख रही हूँ, चिकन के स्लाइस। चिकन के स्लाइस रखने के बाद इसके ऊपर दोबारा से मैं थोड़ी सी शवारमे की सॉस डाल दूँगी। आप चाहे तो केचप का इस्तेमाल, चिली गार्लिक सॉस जो आपको पसंद हो वो भी कर सकते हैं आप। अब जिसको फोल्डिंग करने का तरीका ये है, पहले एक साइड से कवर करेंगे फिर दूसरी साइड से कवर करेंगे इसको एक दूसरे के ऊपर रख के, और अब इसके किनारों को बंद कर देंगे। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स फाइनली तौर पर ये असेंबल हो चुका है। तो अब इसको जी व्यूवर्स एक बटर पेपर लेंगे, बटर पेपर के ऊपर इसको रख देंगे क्योंकि हमने इसको बेक करना है, तो बेक करने के लिए बटर पेपर का इस्तेमाल करते हैं। बटर पेपर के ऊपर मैं इसको रख चुकी हूँ। अब इसकी ऊपर से थोड़ा सा इसको खूबसूरत सा कलर देने के लिए, ताकि बेकिंग के दौरान खूबसूरत सा कलर आए, तो इसके ऊपर मैंने एक अंडे की जर्दी ली है, सफ़ेदी नहीं अंडे की जर्दी ली है, जिसको अच्छे तरीके से मैश करके ब्रश की मदद से मैंने लगा लिया है। अब इसके ऊपर मैं चीज़ डाल रही हूँ, आपके पास जो भी चीज़ मौजूद हो, अगर मैं पिज़्ज़ा चीज़ मोज़रेला चेडर वो क्रश की हुई थोड़ी सी मैं वो डाल रही हूँ, मेरे पास पिज़्ज़ा चीज़ थी तो मैंने क्रश की हुई पिज़्ज़ा चीज़ लगा दिया। अब इसके ऊपर खूबसूरती के लिए, क्योंकि ये पिज़्ज़ा शवारमा है तो इसके ऊपर ये नहीं कि पिज़्ज़े के अंदर चीज़ और शिमला मिर्च और मशरूम्स ना हो तो पिज़्ज़े का मज़ा नहीं आता, तो इसके ऊपर मशरूम्स और शिमला मिर्च मैं लगा रही हूँ। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स फाइनली तौर पर ये रेडी हो चुका है। तो अब इसको हम रख देंगे बेक होने के लिए। बेक करने के लिए मैंने यहाँ पर इसको ओवन के अंदर बेक नहीं करी, बल्कि पतीली के अंदर बेक करूँगी, विदाउट ओवन इसको बेक करूँगी। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स एक मैंने खुले साइज़ की पतीली ले ली थी, उसके अंदर इसके नॉन स्टिक की मैं यूज़ कर रही हूँ, तो नॉन स्टिक के कवर के ऊपर जो हॉल होता है उसको बंद कर लिया है और इसको प्री हीट कर लिया है। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसको प्री हीट करके पहले से ही रख लिया था पतीली को। तो पतीली के अंदर आप इजीली कोई भी कवर रख सकते हैं या स्टील की प्लेट भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपके पास इजी हो। तो इसको तकरीबन 40 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर मैंने बेक किया है, 35 से 40 मिनट के लिए। तो आफ्टर 40 मिनट्स के बाद माशाल्लाह से कितने खूबसूरत ये बेक हो चुके हैं, ये देखें नीचे से आप इसका कलर भी देख सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त से ये रेडी हो चुके हैं। अब इसको मैं आपको इस निकाल कर प्लेट के अंदर दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से जी व्यूवर्स ये देखिए कितना ज़बरदस्त अंदर से ये बेक होकर रेडी हुए हैं। आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगे, अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा, और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ तो ये यूनिक सी नई रेसिपी शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी दबाइएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी सबसे पहले मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स तक पहुँच सके। तो ढेर सारी दुआओं के साथ आज की इस वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।